हाँ तो भाई क्यूडॉस, कैसे हो तुम लोग? तो स्वागत है तुम्हारा एक और दिन में, अगेन बैक टू सेम किचन टॉक्स। और आज हमें बस तुम्हें मेन एक ही चीज़ बतानी थी। आज हम अपनी डाइट में कैलोरीज कैलकुलेट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग नंबर हमें मिले, क्योंकि सीन ये हो रहा था कि अभी हम जैसे जो डाइट ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको पहले फोकस कर लेते हैं, आई होप इसने फोकस करके रखा हो। तो जो अभी हम डाइट ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, बट हमें लगा कि यार ये तो काफ़ी ईजिली हो पा रहा है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो हमारे सिस्टम के लिए नई चीज़ है। मतलब इतनी ज़्यादा कैलोरीज ऑल ऑफ सडन, तो उसको वो कम लग रही है कि चलो एक टाइम पे तुमने इतना कम खाया था, ऑल ऑफ सडन जब हम इतना खा रहे हैं तो वो काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें लगा कि कम है, बट हमें लगा कि शायद एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना ले रहे हैं, क्योंकि मेजरली हम एक चीज़ ट्रैक करते हैं बल्क में, वो है प्रोटीन इनटेक, जो कि हमें पता था काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, 200 के ऊपर जा रहा है, 200-250, तो वो चलेगा, इतना हम चिल्ड थे। बट जब आज हमने अपनी हर एक मील की कैलोरी जब कैलकुलेट करी, तो भाई हमारी थोड़ी सी कहते हैं ना लुप्पे लेने वाली सीन जो रहता है कि तुम खुद को ही सरप्राइज कर रहे होते कि ए दानव साले तू इतना खा रहा है, तो वो सिनेरियो हुआ। मतलब कि इस टाइम पे जैसे तुम्हें पता है तुम आने वाले दिनों में फुल डे ऑफ ईटिंग तो देखोगे ही देखोगे, बट उससे पहले जब हमने कैलकुलेट किया कि हमारा मील या फिर क्या कहते हैं टोटल कैलोरी इनटेक कितना जा रहा है, तो वो जा रहा था इस टाइम पे 6 मीलों को मिला के 5000 के ऊपर। मतलब कि लीस्ट वो बैठ रहा था 5122, मतलब 5122। और भाई लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो थोड़ा सा प्राउड भी फील हुआ एक टाइम पे कि ओ शेट तुम इतना खा रहे हो, तुम इतना खा ले रहे हो, वो भी ईजली फिलहाल के लिए। बट हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद हमें अपनी कैलोरीज थोड़ी सी कट करनी पड़ेंगी या फाइबर इनटेक और हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने फाइबर इनटेक नहीं बढ़ाया तो हमारे डाइजेशन के स्कॉडा लहसुन लग सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे इन दिनों। तो हाँ भाई, ये एक मेन अपडेट था। बाकी आज तुम वर्कआउट में देखोगे पुश डे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पुश डे था। बाकी हमें लगता है कि और तो कोई ऐसी चर्चा करने वाली बात नहीं थी। बाकी उम्मीद है कि तुम वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ही रहोगे आने वाले दिनों में, और बीते हुए दिनों में तुम इस जर्नी से कुछ सीख रहोगे। बाकी तुम्हारी भी कोई क्वेश्चंस रहती हैं, क्वेरीज रहती हैं बल्क से रिलेटेड, तो तुम नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो। बाकी हाँ भाई, अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट आने लगी है, क्योंकि हमारा जो साइज है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। बट एक ही चीज़ इस समय हमें थोड़ी सी क्या कहते हैं ना वो कराती है, चिंतित कराती है, वो है डाइजेशन, जिसको हमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोल में रखना है, या फिर उसको ही एक तरीके से सबसे ज़्यादा पॉइंट पर रखना है। उसके लिए चाहे हमारा वेजिटेबल इनटेक बढ़ाना पड़े या फिर हमें कोई अलग से सप्लीमेंट लेना पड़े, ताकि हमारा डाइजेशन थोड़ा इन कैलोरीज पे या इन नंबर पे पॉइंट पर है। हालांकि हमारी बॉडी टाइप ऐसी है जो हम खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बट स्टिल हम थोड़ा सा सेफ जोन में रख के चीज़ें करते हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हैं। चलो बल्क भी होता रहेगा, बट तुम्हारी हेल्थ प्रायोरिटी है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करते हैं, तुम्हारी स्किन बताते हैं। जैसे हमने तुमसे पहले भी कहा था कई दिनों पहले कि तुम्हारी स्किन और तुम्हारी बॉडी सबसे पहले रिस्पॉन्डर होते हैं, तुम अगर कुछ भी गलत कर रहे हो तो उसको हम कंसिडर करें। तो हाँ भाई, फ़िलहाल के लिए चीज़ें सही जा रही हैं, बट एट दी सेम टाइम हम चीज़ें ट्रैक भी कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एनर्जी लेवल हो। थोड़े लेज़ी फील करते हैं, जाहिर सी बात है जब तुम बल्क हो तो दबा के खा रहे होते हो, तो थोड़ा लेज़ीनेस होती है भाई, ये चीज़ तो है। यहाँ तक कि हमने कभी कॉफ़ी नहीं पी, अभी हम एक ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, 1 mg लेते हैं उसमें। मेरे ख्याल से जो तुम जानते होगे वो 2 रुपये वाला पाउच आता है छोटा सा, वो हम लेके आए हैं। हालांकि कॉफ़ी भी हम ज़्यादा ना लें तो उसके लिए भी हम यही पाउच लेकर आए, क्योंकि इसमें काफ़ी कम कॉफ़ी रहती है, यानी कैफीन काफ़ी कम रहता है। मेरे ख्याल से 50 mg रहता है एक पाउच में, तो वो सीन भी है। बाकी हाँ भाई, हमने कहा हर चीज़ से तुम्हें अपडेट करके रखते हैं, तो मिलते हैं वर्कआउट के टाइम, तो अपना ख्याल रखना। हाँ तो भाई, स्वागत है तुम्हारा एक और दिन में, और आज है हमारा चेस्ट डे। मेजरली ट्रेन करेंगे चेस्ट और शोल्डर, ट्राइसेप्स के लिए एक डेडिकेटेड आर्म्स रखेंगे इस वीक। बाकी अगले हफ्ते से प्रॉपर पुश पुल लेग्स फॉलो करेंगे, तब रूटीन थोड़ा अलग होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज सिलेक्शन अलग होगा, बट इस वीक सिर्फ क्या कहते हैं लेग्स हमें एक ही बार ट्रेन करनी है। उसका एक रीज़न है, वो तुम आने वाले दिनों में देखोगे, बट एक डेडिकेटेड आर्म सेशन है, तो इसलिए आज शोल्डर ट्रेन करेंगे और सिर्फ चेस्ट ट्रेन करेंगे। आ,
तो पहला सेट कर रहे हैं इसमें सिर्फ 25 की प्लेट डालना है क्योंकि बहुत टाइम बाद हम इंक्लाइन बेंच कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपने एक सचिन भाई के साथ की थी तो जो कि बुलंदशहर में की थी, वो काफ़ी अच्छे से सेशन किया था, वो एडिट नहीं कर पाए, कभी कोशिश करेंगे उसको एडिट करेंगे तो वो भी शेयर करेंगे। और उसके बाद आज हम कर रहे हैं अगेन, कोशिश ये कर रहे हैं कि नीचे लाके हल्का सा होल्ड करें, ऊपर कम से कम रखना है, देन 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। तो जो दूसरा मूवमेंट करने वाले हैं वो होने वाला है डंबल फ्लैट बेंच प्रेस। अगेन उस पर प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा पतला है, इसका मोटा है, तो इस पर बैक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिलता है। अगेन तीन ही सेट करेंगे, तीनों में कोशिश करना है 15 12 10 एटलीस्ट, कोशिश तो यही करनी है, बाकी आते हैं कि नहीं वो देखते हैं। दूसरा सेट करेंगे 65 से, और तुम जब रेप्स देख रहे हो हमारे तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लॉक ना करें, एज एन हम सिर्फ नीचे लेकर आते हैं और थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक पूरा लाके लॉक नहीं कर रहे हैं ताकि तुम्हारी मसल टेंशन में रहे। 65 से भी सेम चीज़ ट्राई करेंगे। ओके भाई, जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है केबल मशीन फ्लाइज, और ये बेंच पे करेंगे, यानी स्टैंडिंग नहीं है, जाहिर बात है इस पर बॉडी ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो जो अब शोल्डर का स्टार्ट करेंगे, एक चेस्ट का मूवमेंट हम बजा कर रख रहे हैं आखिरी के लिए, जो कि होंगे पैरेलल बार डिप्स। बट उससे पहले हमें दो शोल्डर के मूवमेंट करने हैं जिसमें से एक होने वाला साइड रेजेस, अगेन डंबल से करेंगे और आज सीटेड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा स्विंग ना करें, और एक वेरिएशन भी ऐड होगा क्योंकि पिछली बार मेरे ख्याल से हमने खड़े होकर किया था, इस बार बैठ के करेंगे। ओके भाई, तो जो दूसरा शोल्डर का मूवमेंट करने वाले हैं वो है फ्रंट रेजेस, अगेन डंबल से करेंगे, और ये ओवर एंड ग्रिप पकड़ने वाले हैं न्यूट्रल ग्रिप की जगह। ऑब्वियसली अलग अलग वेरिएशन ट्राई करते रहना चाहिए, और ये भी हम ट्राई करना चाह रहे हैं। भाई आखिरी मूवमेंट करेंगे जो दोनों को कंबाइन होगा, इसके बाद एक का हमें बॉडी वेट और मूवमेंट करना है, बट ये वाला सेकंड लास्ट बोल सकते हो, जो कि है पैरेलल बार डिप्स। तीन सेट कोशिश करेंगे, तीनों में 10 से 15 के बीच में रेप्स आ पाएं, बेसिकली फेलियर हिट करेंगे, अब वो कितने पे हिट होता है वो पता नहीं। तो हाँ, जो आखिरी मूवमेंट करने वाले हैं वो है पुशअप्स। नॉर्मल तो नहीं करेंगे, वेटेड ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम बाद। ओके, okay.